क्यों जा रहा सुबह की ट्रेन से वापस है? शाम के ट्रेन से भी नहीं। I'm putting you on a diet from tomorrow. जाने दो। पूछो ना जाके। पूछना क्या है? ये लड़का अपने प्यार के लिए काम कर रहा है, शर्त जीतेगा ना तो तुम लोगों को ठेंगा दिखाएगा। हाँ ए, जाने दे जाने दे। ये रघुवीर कहाँ रहता है? आप कहाँ से आए हो? ऑस्ट्रेलिया से। ओह। अरे कोई है? कौन है? यही वो लड़की है। तो तू ही है वो कांटा जिसने सोने की मछली फंसाई है। मैं उसी सोने की मछली का बाप हूं। ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो? जा जा अपने भाई को बुलाओ। कौन है सोना? तो तुम हो रघुवीर? हाँ। जानते हो मैं कौन हूं? मैं राम का बाप हूं। तो अपने बेटे को वापस ले जाने आए? नहीं नहीं, मैं तो आपको नमस्ते करने आया हूँ, मिठाई खिलवाने आया हूँ। अरे कैसा आदमी है, मेहमानों का आदर करना भी नहीं आता। जिस आदर के हकदार हैं वो इन्हें तुम जैसे लोगों की वजह से नहीं मिल रहा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये आदर सत्कार। वैसे इन शब्दों का मतलब भी आपको पता है? मेरे बेटे से मजदूरों की तरह काम करवाया। जानते हो वो कौन है? बताइए बताइए इसे। ऑस्ट्रेलिया के 500 टॉप बिलियनरों में से एक का बेटा है वो। तो अब देखना देखना मैं उसे यहाँ से कैसे ले जाता हूँ। ये तो लेके जाना। अब अब तो तूने उसे इतने दिन रखा कैसे? छोड़ेंगे नहीं। जबान संभाल के। उस दिन मैं इसलिए चुप था क्योंकि वो तेरा घर था और ये मेरा घर है। अगर जबान चलाई तो क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? हमें धमका रहा है। जानता है पुलिस के मुंह पे पैसे फेंक के हम तुझे अंदर करवा देंगे। तुम जैसे लोगों को काम करवाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, पर मैं तुम लोगों को या खुद ही काट डालता हूं। तुम मुझे मारोगे? मुझे मारोगे? मारो मारो देखता हूं। डैड, ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? आप यहां क्यों आए हो डैड? अरे राम, ये इतनी दूर ऑस्ट्रेलिया से आए और तुम कहते हो क्यों?
तुम्हारी हालत देख के मुझे मुझे रोना आ रहा है। मुझे मेरे बेटे से बात करने दो, तुम लोग जाओ यहाँ से। What's gone wrong with you, Ram? ये क्या कर रहे हो? एक लड़की के लिए तुम अपना सारा फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो? Come, let's go back to Australia. Sorry, Dad. तुम मुझे अपना क्लोज फ्रेंड समझते हो ना? अगर आप मेरे क्लोज फ्रेंड होते तो आप मेरी हेल्प करते। Well said, Ram. तुम उन लोगों के साथ क्यों नहीं गए? Like only son, like only friend. तुम्हारा बाप होने के नाते तुमसे एक बात पूछ सकता हूं? अगर तुम हार गए तो? जो बात मैंने कभी नहीं सोची वो आपने कैसे सोच ली? फर्स्ट आंसर माय क्वेश्चन, अगर तुम हार गए तो? अगर आप कुएं में गिर गए तो? ये देखो, मेरे पास सपोर्ट है। मेरे पास भी प्यार का सपोर्ट है, मैं नहीं हारूंगा। प्यार ने तुम्हें पागल बना दिया है। क्या मैंने आपसे कभी कहा है कि पैसे ने आपको पागल कर दिया है? क्या बात है? तू क्या समझा? मैं कुछ नहीं समझा, इसलिए तो पूछा क्या बात है। सभी यहाँ इंटेलिजेंटली बात कर रहे हैं सिवाय मेरे। ए, लिखा ले। बेवकूफ, क्या कर रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ये भी कोई लाइफ है? भगवान ने इंसान की उम्र की लकीर के साथ उसकी नसीब की लकीर भी बनाई है। अरे उसने तुम्हें सब कुछ दिया है तो ऐश करो, मस्ती करो। जब ये खत्म हो जाएगा रोगे भी तो वापस नहीं मिलेगा। ये मेरी बात समझ भी रहा है, सुन भी रहा है कि नहीं? मेरे ख्याल से तो सुन रहा है। पिछली कुछ लोग दिन रात मशीन की तरह काम करके करोड़ों रुपए कमाते हैं और उन्हें लगता है वो किस्मत वाले, लेकिन उन्हें पता नहीं कि सबसे बड़ी दौलत प्यार है। और जब तक उन्हें इस बात का एहसास होता है बहुत देर हो जाती है। प्यार प्यार प्यार, ब्लडी बुलशिट। तुम क्या समझते हो ये सब तुम्हारे प्यार के पावर की वजह से हुआ है? मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं खा सकता, ये मैं खाऊं? सब कैसे खा सकते हो? ये खा के तो कोई भी मर जाएगा। तुम्हें ये सब खाने की आदत नहीं है। तुम अपने प्यार की खातिर कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हो? क्या प्यार में सचमुच इतनी ताकत है? अगर प्यार में ताकत नहीं होती तो मैं यहां इस तरह नहीं आता और आप मेरे लिए यहां नहीं आते। माफ कीजिए, मैं आप जैसा बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, एक मामूली स्टेशन मास्टर हूँ। आपको इस बात की तकलीफ हो रही है ना कि आपका बेटा ये सब कचरा खा रहा है? वो लड़की भी यही खाती है। राम अगर ज़मीन पर सोता है तो ये लड़की भी अपने ही घर में नौकर की तरह ज़मीन पर सोती है।
आप ही सोच रहे होंगे कि ये सब पुराने घिसे पिटे संस्कार हैं। आपकी सोच सही है, ये लड़की ऐसी ही है, इसीलिए रोज मंदिर जाकर अपने प्यार की जीत के लिए दिया जलाती है। इस दिए को ऐसे ही सजाए रखना बेटी, मेरे बेटे राम ने अपनी सारी जिंदगी ऐश और आराम में काटी है, मेहनत तो दूर, उसे सारी जिंदगी में कोई काम ही नहीं किया। आज उसे इस मिट्टी में काम करते देख मैं पागल सा हो गया था। तुम्हारे प्यार ने मुझे और मेरे बेटे को फिर मिट्टी की कीमत का एहसास दिला दिया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बेटे। आपने गलत फैसला लिया है बहनोई जी, मेरी बहन इसे कभी नहीं मानेगी, बल्कि इसकी वजह से आप दोनों में बात बिगड़ सकती है। हाँ हाँ, बहुत बात बिगड़ सकती है। मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो। हाँ। आप लोग फिक्र ना करें, मुझे अपनी बीवी की कमजोरियां अच्छी तरह पता है, वो बेकार और फालतू लोगों की बातों में आ जाती है। आज मैं घर लौट रहा हूं, मुझे अपनी बीवी को समझाना अच्छी तरह आता है। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, एक्सक्यूज मी। मैंने तो पूरी कोशिश, देखिए जरा देखिए मेरे बेटे की हालत, अब क्या होगा इसकी जिंदगी का। बस करो जेपी, बस करो, मेरी बहन इतनी आसानी से नहीं मानेगी। देखो तुम्हें इसी बात का डर है ना कि राम उस लड़की से शादी कर लेगा, अरे मगर इसके लिए भी उसे चैलेंज जीतना पड़ेगा। हाँ, और रघुवीर भी तो नहीं चाहता कि राम जीते, राम की हार पक्की है। फिर एक बार बोल, राम की हार पक्की है 100%।